लोकेशन कितना जबरदस्त है, शीशा डाउन करते हैं अच्छा से व्यू आ जाएगा पहाड़ का भी। नहीं मछली ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए। छोटा छोटा वाला नहीं है, बड़ा पीस है मछली। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ अरे मोमेंट सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। चलो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर अगेन गोइंग टू सोरा विथ माय फ्रेंड्स। आज पार्थो और सुजीत दा के साथ जा रहे हैं। सुजीत दे यहाँ के लोकल है। हम जा रहे हैं सोरा के लिए, हालांकि सोरा हमारे लिए तो नेटिव प्लेस है, कभी भी मन करो चले जाओ। देखते हैं कहाँ जाना है, आज नया प्लेस ढूंढेंगे आपके लिए। हमेशा मैं नया प्लेस ढूंढ के लाता हूँ, तो कोशिश करेंगे आज भी एक नया प्लेस में जाएंगे। तो बने रहिए, फिर चलते हैं और प्लेस में मिलते हैं। अब थोड़ा सा रोड का व्यू दिखाऊँगा आपको, बाकी जगह में मिलते हैं। ओके बहुत ही सुंदर एक रेस्टोरेंट है रिवर साइड। सुजीत दा यहाँ के लोकल है, तो आज वी एक्सपेक्ट किया आज ज्यादा चीजें हमें कुछ नई चीजें देखने को मिले। मिलिम पहुंचने वाला है, पहुंचेंगे अभी मिलिम से। सुजीत दा पहले हम याद है जैसे हम लोग स्पॉक पॉर्क वो जो पॉर्क लेके जाते थे, सबसे फेवरेट पॉर्क स्पॉक पॉर्क। अच्छा सुजीत दा आज हमारे साथ आ रहे हैं ना, इसमें एक फायदा ये हो रहा है कि हमें जगह का नाम बताते रहेगा, जब भी पूछूंगा ये कहाँ है तो बता देगा वो जगह क्या है। आप लोग आगे देख लो ये जगह क्या मिलिम। हाँ यहाँ में सबसे फेवरेट हो गया स्मोक पॉक जो बोलते हैं। स्मोक पॉक कहाँ पे? स्मोक पॉक मिलिम में है, सबसे बढ़िया बहुत टेस्टी है। पॉक को क्या बोलते हैं? डोमासी, ये मतलब ये खासी में डोंसनियांग बोलता है। और डोमासी बोलता है गाय को, बीफ को बोलता है डोमासी। यहाँ गाय का मीट भी बहुत चलते हैं, चलता है मतलब। और फिश को आई थिंक दोखा बोलते हैं। इसलिए हम लोग को लोग डोखार बोलता है। हाँ, तो हम लोग मच्छी ज्यादा खाता है ना, तो इन लोग जो डोखार बोल के जो गाली देते हैं, इट इज आउटसाइडर्स। ये है आउटसाइडर्स। ओके इसका मतलब है सो किसी को गाली देना है नॉन ट्राइबल को, ये लोग डोखार बोल के गाली देते हैं। हम भी गाली दे देंगे डोखार। एग्जैक्टली हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम असम में जाएंगे तो हम बोलेंगे। चलिए आगे मिलते हैं फिर। मिलिम शेम बोलता है राजा। मिलिम शेम तो ये एरिया शेम मतलब राजा। हाँ मिलिम शेम बोलता है तो बाजार जो चलाता है। ये राजा चलाता है। मैगी पॉइंट बोलते हैं, मैगी वगैरह मिलता है यहाँ पे। अच्छा है ना ये? हाँ ये कैफे में गया हूँ मैं। इस पर स्विमिंग पूल चल गया? नहीं है फोटो खींचाओ बहुत अच्छा लगेगा। देखो टूरिस्ट अभी धीरे धीरे टूरिस्ट का जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश कम होने लगेगा, ठंडे टाइम आने लगे ना, ठंडे के दिन आने लगे हैं। अगर मेघालय में वाटरफॉल में पानी नहीं है तो क्या देखने आएगा? ठंडे में पत्ता वत्ता भी सूख जाता है, जो ग्रीनरी है थोड़ा सा लाल रंग का हो जाएगा, फिर भी उसका भी एक अलग ही मतलब ब्यूटी है, उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है मेघालय। हाँ मकडोग वैली स्टार्ट हो गया, अभी एक ब्रीथ मिलेगा आपको।
झूला भी रहा हूँ, वो भी पानी भी दे रहा हूँ। बहुत सुंदर है। यहाँ एक नीचे वाटरफॉल भी है, वहाँ पे आपको लेके गया था मैंने लास्ट वीडियो में ना, आप जाके देख सकते हो। वाओ, जब भी आते हैं ना ये वैली देखने से मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। ये इधर अपना गांव है ना। शिलोंग अपना गांव है, शिलोंग 38 किलोमीटर सौरा 12 किलोमीटर बोलेंगे पता लग जाएगा। ये भी व्यू पॉइंट से कम नहीं है, है? तो देखो वहाँ घर है साला नीचे। तो हम बीच में एक जगह में रुके, व्यू पॉइंट है, एक एक झील भी है नजदीक, सिनेमेटिक व्यू लिया, टाइम स्लैप लिया और फिर हम आगे जा रहे हैं सौरा के लिए। अभी सौरा के लिए 12 किलोमीटर रह गया। और हमेशा की तरह जो पाठो है ना फोटो के लिए इंसिस्ट कर रहे बोलो फोटो खींचो फोटो खींचो, को फोटो खींचता हूँ क्या। हाँ बस मेरे को भी बढ़िया लग रहा। इसलिए धुलते धुलते यहाँ पहुँच गए, बड़ा पीछे एक काटा निकलेगा, एक एक काटा निकलेगा ना ऐसे फेंक सकते हो उसको। लेकिन बेंगोली स्टाइल में क्या होता है राउंड टाइप में होता है ना, पूरा बीच में से लग के फिर ज्वाइन होकर ऐसे काटा रहता है केस बना। अभी जा रहे हैं लेकिन मतलब एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हर एक मोमेंट्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ। अभी और नया और एक जगह जा रहे हैं। हाँ। सोबर रोड। सोबर तो बहुत दूर है, दूर क्या है, बस आ गया है। आठ बीच है। अच्छा कैंपिंग के लिए चलेंगे वहाँ पे, जाते हैं लेकिन अभी नहीं जाना। एक्चुअली आज हम लोग बांग्लादेश देखेंगे दूर से, बड़ा अच्छा, पता नहीं हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं, इसीलिए कैसा लगे कैसा होता है ये बांग्लादेश जाके पता लगेगा। हाँ, यहाँ आके ना बांग्लादेश भी देख सकते हो। जैसे आपको हम देखेंगे आप लोगों को भी साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे। हम पहुंचने वाले हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल का एक अलग भी नाम है ना, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका अलग है, मैं कैप्शन में लिख दूंगा आपको ना क्या नाम है। ये मेघालय का सबसे फेमस वाटरफॉल है जो कि नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वैली ना सुंदर वैली, आपको जो प्लेन एरिया दिखाई देगा वो बांग्लादेश है, बाकी जो पहाड़ी इलाका है वो इंडिया है। आप देखो ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, दिख रहा है बहुत कम है पानी, पानी है ही नहीं। सीधा 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 जाएंगे सोवर, ये तो होटल के लिए है। हाँ ये बढ़िया एक होटल है, पोलो रेस्टोरेंट। यहाँ पे स्विमिंग पूल है जो डायरेक्ट आपका व्यू दिखाई देता है सेवन सिस्टर का, वो ना यहाँ पे। हाँ यही है लेफ्ट साइड में जो है ना वही है, बहुत सुंदर है। 4,000-4,500 रुपए का पोलो रिजोर्ट, 4,000 से स्टार्ट हो जाता है रूम का, लेकिन बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, आप आ सकते हो वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ मौसम ठंडा हो रहा है, जितना आगे जा रहे हैं उतना ही ठंडा लग रहा है। ये है ठंगखड़ंग पार्क जाने का रास्ता, तो हम ये पार्क है एक्चुअली ठंगखड़ंग पार्क। यहाँ से आपको किन्नम वाटरफॉल का व्यू दिखाई देगा और सुंदर है बांग्लादेश दिखाई देगा, बड़ा है बहुत बड़ा है। क्या है कोहरम्बा टूरिस्ट स्पॉट, कोहरम्बा टूरिस्ट स्पॉट है, ये भी एक बढ़िया जगह है। ओ, क्या व्यू है रे।
चलो हाँ कहाँ जा रहे हैं हम? वाहरेव ब्रिज तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वाहरेव ब्रिज जा रहे हैं। चलिए किंगडम फोन पहुँचने से पहले हम अभी लेफ्ट टर्न ले लिए हैं, अगर गूगल मैप से आएंगे तब भी मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गूगल मैप जब चलाते हैं यहाँ नेटवर्क की इशू है, ओ, ओ नेटवर्क के इशू की वजह से ना लोकेशन अच्छी तरह नहीं दिखाएगा, मुश्किल यही है। रोड खराब है भाई, थोड़ा थोड़ा पैच खराब है। चलो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन। कहाँ पहुंच गए? सोबर सोबर वाहरेव ब्रिज, लोहे का ब्रिज है, अच्छा लगता है ये ब्रिज, बहुत सुंदर है। हाँ यही ब्रिज देखने के लिए आए थे, तो हमारा डेस्टिनेशन अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा सीधा भोलागंज जाता है ना? अच्छा अभी हम यहाँ जा रहे हैं वाहरेव ब्रिज के लिए। दाउकी जैसा ही प्लेस है, यहाँ पानी भी क्लीन है। अब तो द बॉटम आपको दिखाई देगा, बांग्लादेश दूसरी तरफ हम सीधा भोलागंज जाते हैं ना, तब मिलते बांग्लादेश। हाँ पानी यहाँ नहा भी सकते हो, बहुत सुंदर है। यहाँ कैंप साइट है नीचे, हाँ बहुत पानी क्लीन है, क्लीन पानी है। हाँ ये देखो राइट साइड में नीचे कैंप साइट है, लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं नीचे। वाओ ये देखो कैंप दिख रहा है नीचे। देखो ये आर्क ब्रिज भोलागंज लिखा है, मैं आपको साइन बोर्ड दिखाता हूँ, दिख रहा होगा साइन बोर्ड। अरे रोड पार्सल दिखा रहे हैं, कैसे वीडियो लेना है। ये सोबर ब्रिज है और यहाँ पे कैंप साइट होता है, एक कैंप साइट है और देखो तंबू लगा हुआ है ना, वहाँ पे कैंप है। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम आके सोबर ब्रिज पहुँच गए, ये सोबर आर्क ब्रिज है। पीछे देखो ये दाउकी में जैसे जो वाटर है क्रिस्टल क्लियर, यहाँ भी वही है। इसको वाहरेव वाहरेव रिवर ही बोलते हैं, दोबारा रिवर है। यहाँ पे आप बोटिंग करने के लिए बोट भी मिल जाएगा आपको, और आप रात को रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, रहने के लिए भी व्यवस्था है। 1000-2000 में आपको टेंट मिल जाएगा, टेंट में रह सकते हो, एक दिन मज़ा से आप वहाँ पे एंजॉयमेंट करके रह सकते हो। एक्चुअली हमें देर हो गया है ना, पहले आते तो और टाइम हम यहाँ बिताते। चलो यहाँ पे हमारा सफर है ना खत्म करते हैं, वापस शिलोंग चलते हैं। तो सोबर पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन पानी में हम उतर नहीं पाए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो बाद में फिर आके हम पानी में उतरेंगे। यहाँ से शिलोंग 74 किलोमीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सोबर 5 किलोमीटर और सोहरा 22 किलोमीटर। और ये सेरापुंजी वाला रोड कितना दिखा रहा है, हम अगर इस तरफ जाएंगे भोलागंज मिलेगा, और इस तरफ जाएंगे जो हम अभी आए हैं वापस, इस तरफ राइट साइड वाला जो रोड है वो कहाँ मिलेगा, नांगजुरी। और हम आए थे वहाँ से ऊपर से, मतलब इस रोड से सेरापुंजी होके हम अभी वापस सेरापुंजी जाएंगे। यहाँ पे हमारा सफर खत्म होता है, सफर खत्म होता है, खत्म होता है। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ, हमारे साथ फिर दोबारा रहेंगे, एक नया टूर करेंगे है ना, नया जगह में जाएंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही साथ दिया सुजीत दा ने, नया नया चीज़ कुछ बताया शिलोंग के बारे में, मेघालय के बारे में, सोहरा के बारे में और ब्रिज के बारे में है ना। तो आपको अगर जानना है तो मेरे वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नया है तो। ठीक है, ओके बाय बाय।